आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल यानी कि आज रात 9:12 पर लगेगा। वहीं ग्रहण 9 अप्रैल सुबह 2:22 पर खत्म होगा। यह पूर्ण ग्रहण 7 मिनट तक रहने वाला है। इसके साथ ही आज चैत्र मास की अमावस्या भी है। ऐसे में आज के दिन सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। इस दिन स्नान दान तथा अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पूर्वजों के पूजन का विधान भी है। ऐसे में चलिए हम जानते हैं सूर्य ग्रहण और इसके सूतक काल के बारे में। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा समेत यूरोप के कई देशों में दिखाई देगा। अमेरिका समेत ग्रहण प्रभावित अन्य देशों में सुबह 9 बजे से सूतक लगेगा। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण सूतक भी लागू नहीं होगा। सूर्य ग्रहण भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देशों में दिखाई नहीं देगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक 4 प्रहर पूर्व लगता है, मतलब सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है। सूतक काल उन जगहों पर मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण नहीं दिखने पर सूतक मान्य नहीं होता है। वहीं ग्रहण के दौरान 9 घंटे का सूतक होता है। सूतक नहीं लगने के बावजूद भी ग्रहण के समय कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय खान पान और तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। इस समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु के नाम का सुमिरन करना चाहिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।